अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज तलबा तालिबा, आज हम क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स में प्रैक्टिस सेट 48 क्वेश्चन नंबर 1 में थर्ड क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। यहाँ पर ये जो फिगर है, ये राइट एंगल ट्राइंगल की फिगर है। अब यहाँ पर इस फिगर में हम देखेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है। राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पर लगा कर देखते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम का जो फार्मूला है यहाँ पर क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि बेस क्या है, यहाँ पर बेस है यहाँ पर डी एफ और डी जो है यहाँ पर इसकी हाइट है और ई एफ जो है इसका हाइपोटेनस है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमको यहाँ पर हाइट मालूम करना है। तो यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे फार्मूला, हाइपोटेनस यहाँ पर क्या है ई एफ, तो यहाँ पर लिखेंगे ई एफ लेंथ ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बेस, बेस क्या है यहाँ पर डी एफ, लेंथ डी एफ स्क्वायर प्लस लेंथ हाइट क्या है यहाँ पर डी, हाइट क्या है यहाँ पर डी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास में ई एफ जो है ये हाइपोटेनस है, डी एफ जो है ये बेस है और डी जो है हमारे पास में यहाँ पर हाइट है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं यहाँ पर इसको और इसका वैल्यू रखते हैं। ये कितना है यहाँ पर 17, ये कितना है यहाँ पर 17, यानी कि स्क्वायर डी एफ कितना है 8 स्क्वायर और लेंथ डी की यहाँ पर क्या दिया हुआ है एक्स, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर हमने क्या किए इस फॉर्मूले में यहाँ पर हमने वैल्यू रखी। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे आप 17 स्क्वायर, और 17 का स्क्वायर क्या होता है 289 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हमको क्या करना है एक्स मालूम करना है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 289 इसमें से माइनस करेंगे 64, क्या माइनस करेंगे 64। तो अब हमारे पास यहाँ पर 289 में से 64 माइनस करते हैं तो हमारे पास उसका आंसर आता है 225 एक्स स्क्वायर। तो अब हमको यहाँ पर एक्स मालूम करना है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे अंडर रूट लिखेंगे 225। अब 225 का रूट जो होगा वो कितना होगा 15, तो यहाँ पर हमारे पास में आंसर आ गया इसका एक्स इज इक्वल टू 15। अब आपको ये फिगर में जो एक्स का वैल्यू मालूम करने का था वो हमने यहाँ पर मालूम करके दिए। अल्लाह हाफिज़।